मानस, अभी हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे। दोनों पार्टियों का दर्द एक जैसा ही है। जब राहुल गांधी की सदस्यता का जिक्र हुआ तो वो आजम खान और उनके बेटे की सदस्यता जो रद्द हुई उसका जिक्र करना वो नहीं भूले, और बीजेपी को उन्होंने जमकर कोसा है। देखा, निश्चित तौर पर राहुल गांधी की सदस्यता का खारिज होना उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव पहले भी इस व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे और कह रहे हैं कि सियासी विद्वेष की वजह से इस तरीके की कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं और तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा भी अखिलेश यादव ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में भी कहा था कि पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस को तय करना है कि उसकी भूमिका आगे क्या होने वाली है। और ठीक उसके एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि इस तरीके की कार्रवाई सामने आई कि लोकसभा से सदस्यता खारिज हो गई राहुल गांधी की। कांग्रेस के लिए तो अपना के लिए तो एक बड़ा झटका है ही, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम बात करें तो उसके पूरे सियासी परिदृश्य पर इसका बहुत गहरा असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो ऐसे चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के लिए लगातार एक तरीके से उनका मॉरल बूस्ट करने का भी काम करते हैं, एक तरीके से संजीवनी का भी काम करते हैं। लेकिन इसमें से भी अगर राहुल गांधी की सत्ता खारिज हो जाती है और वो अब आगे ये भी देखना होगा कि आने वाला जो वक्त है, जो कानून कहता है कि क्या वो आगे 6 साल तक चुनाव लड़ने के योग्य रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। तो एक तरीके से कांग्रेस के तमाम लोग भी गफलत में है। हमारे पास समय साथ कुछ लोग हैं, देखिए मैं एक बार उन लोगों से बात करने की कोशिश जरूर करता हूँ। देखिए कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये बताइए सर कि जैसे कांग्रेस की के राहुल गांधी की सत्ता आज खारिज हो गई, कितना बड़ा झटका लगता है आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए हो सकता है? इसके बारे में हम क्या बताएं सर जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत पहले से ही काफी खराब है, उसमें अगर राहुल गांधी की सत्ता नहीं रहती है, मतलब सत्ता खारिज होगी, कल माननीय मामले में सजा होगी, तो आप क्या किस तरीके का असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर राहुल गांधी के न रहने से? देखिए राजनीति से हम लोगों का कोई मतलब रहता नहीं और इस विषय पे हम कुछ ठीक है। हालांकि लोग थोड़ा सा थोड़ी देर में हम मानस बात करने की कोशिश करते हैं, शायद लोग अपडेट भी नहीं होंगे इस खबर से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।